खबरों में बने रहने के लिए आरपी न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि हम आपको वो दिखाते हैं जो आप देखना चाहते हैं। आपकी खबर हमारी ताकत। और गर्ल्स कॉलेज के प्रिंसिपल उमेश मोहन जी, हमारे शहर के प्रथम नागरिक दौलत राम जी सोलंकी, बेटियां, बच्चे और लोहारू के गणमान्य नागरिक, मैं बच्चों का मुझे स्वभाव पता है, जब कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा होता है और मेरा जैसा कोई नेता बीच में आ जाए तो सोचते हैं कहाँ से टपक गया है, जल्दी कैसे खिसके गए हैं, क्योंकि उत्साह से भरा हुआ अच्छा खासा कार्यक्रम चल रहा था। लेकिन मैं आपका ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लूँगा, जल्दी आपका कार्यक्रम दोबारा शुरू हो जाएगा। मैं तो एक चीज कहता हूँ कि ये जोश से भरा हुआ जीवन, ये जवानी, पॉजिटिव सोचो, खूब मेहनत करो और आगे बढ़ने का वादा रखो। आज वक्त बदल चुका है, सारी दुनिया जो है इंटरनेट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से एक हो चुकी है। और एक जमाना था कि हाँ नवाब होते थे लोहारू के, आप लोगों को कोई अधिकार नहीं था, हम लोगों को कोई अधिकार नहीं था, बोल नहीं सकते थे, कोई जलसा जुलूस नहीं कर सकते थे, शिक्षा की संस्थाएं नहीं थी। लेकिन बहुत थोड़े वक्त में धीरे देखो जो कुर्बानी की शहीद भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आजाद ने और महापुरुषों ने, उसका परिणाम यह है कि आज हम खुली हवा में सांस लेते हैं, अच्छी अच्छी शिक्षण संस्थाएं हैं और हमारे इस रेतीले इलाके के अंदर जहां पीने का पानी भी नहीं होता था वहां नहरों का पानी है, अच्छी बिजली है और कानून का राज है। ये जरूर है कि बीच में ऐसी राजनीतिक शक्तियां आती रही जिन्होंने ये कोशिश की कि लोगों का शोषण करें, दबा के रखें, थाना तहसील की राजनीति करें, लेकिन अब आने वाला वक्त उन लोगों के लिए कभी ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि आज जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी के रूप में, आज हमारे मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल जी के रूप में, जिस आदमी ने रेलवे स्टेशन पर चाय बेच के मजदूरी करके आज दुनिया के सर्वोच्च स्थान पर पद प्राप्त किया है, जो दुनिया के सबसे ताकतवर नेता डोनाल्ड ट्रंप हैं, वो भी मानते हैं कि मोदी से बड़ा नेता कोई नहीं है, जो एक गरीबी में निकल के अपने खर्चे में पड़ के तपस्या करके जब आदमी इतना पहुंच सकता है, तो आप लोग भी एक चीज की भावना रखो कि आपके लिए सारे दरवाजे दुनिया के तरक्की के खुले हुए हैं, सिर्फ जरूरत है तो आपको एक मेहनत करने की। और मैं एक चीज बता देता हूं गुरु मंत्र, ये 5-6 साल है, इसमें भटकना नहीं, ये उम्र आपकी भटकने की है। जो बच्चा इन 5-6 साल में मेहनत करेगा, पसीना बहाएगा, वो 50 साल तक मजे करेगा, और जो इन 5-6 साल में मजे करेगा वो 50 साल मजदूरी करेगा। सिर्फ एक ही बात आप ये चीज देख लेना कि जिसने इन 5-6 साल में इधर उधर की बातें की है, मेहनत नहीं की, अपने कर्तव्य पूरा नहीं किया, वो सारी उम्र पीछे रह जाता है। तो मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि आज दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है अमेरिका, जो सारे हथियार बनाते हैं, नासा है, सैटेलाइट छोड़ते हैं, उसके थ्रू सारी दुनिया की कंट्रोल करते हैं, 1/3 से भारतवासी है उसके अंदर, 1/3 से ज्यादा। अमेरिका के अंदर 100 बड़े कारपोरेशन हैं, 1-1 लाख करोड़ की उनकी संपत्ति है, व्यापार करते हैं साल में, उनके 1/3 से ज्यादा जो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उनके जो सबसे बड़े अफसर हैं वो भारतवासी हैं। तो इससे साबित होता है कि हमारे यहाँ दिमाग की कमी नहीं है, हमारे दिमाग का लोहा अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, जापान भी मनाता है। तो आप लोग जो है मेहनत करो, आगे बढ़ने की वो कोशिश करो, और विद्या एक ऐसी चीज है, ज्ञान एक ऐसी चीज शक्ति है जिसको ना कोई चोर चुरा सकता, ना कोई छीन सकता, ना कोई आपको लेके जा सकता। आप लोगों से, बच्चों से मैं प्रार्थना करता हूँ, ठीक है आप खेलिए कूदिए, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में भी ध्यान दीजिए, बहुत सारे और माता पिता की सेवा में भी ध्यान दीजिए,
लेकिन ये कभी हीन भावना ना आने दें कि हमारे पास इस चीज की कमी है, हमारे पास इस चीज की कमी है। आने वाला वक्त जो है भारतवासियों के, भारत के नौजवानों के लिए सारे दरवाजे आपके लिए खुले हैं। आप थोड़े से 5-7 साल के लिए अपना मेहनत में ध्यान लगाएं। दूसरा मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, हमारे अंदर मेरे अंदर शुरू शुरू में कॉम्प्लेक्स था। मैं गांव के स्कूल से आया था 8वीं क्लास तक, मुझे अंग्रेजी का पता नहीं था। पहली बार अंग्रेजी मीडियम के स्कूल में, TIT स्कूल होता था भिवानी में, 1970 की बात है, तो बड़ा डर लगता था जब हमारा स्कूल का अध्यापक अंग्रेजी बोलता था, बड़ी दिक्कत होती थी। आप लोगों से मैं प्रार्थना करता हूँ कि अपने आप एक भाषा दुनिया की जरूर सीखो। आजकल नेट के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से आप सीख सकते हो। चाहे आप सीखो अंग्रेजी सीखो या स्पेनिश सीखो या फ्रेंच सीखो या 4-5 भाषाएं दुनिया की हैं, वो नेट पे आपको पता चल जाएगा। उससे क्या होगा कि आपका सारी दुनिया में, बाहर में, विदेश में कहीं भी काम करेंगे आपका स्वागत होगा। और आज सारी दुनिया की आबादी बूढ़ी हो चुके, काम करने वाले आदमियों की जरूरत है। कनाडा हर साल 2.5 लाख नौजवानों को इम्पोर्ट करता है, लेकिन सबके लिए दरवाजे खुले नहीं है। जो बच्चों ने प्रीपोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, जिनको थोड़ी सी अंग्रेजी की भाषा आती है और जो वहाँ काम बसना चाहते हैं, कनाडा उनको सारी उम्र के लिए वीजा देता है कि आप आगे हमारे यहाँ काम करो और अच्छा जिंदगी जियो। आप नेट पे जाके कनाडा की वेबसाइट पे देख सकते हो। आप यहाँ पर, आप आज के दिन नौकरी ढूंढने के लिए आप लोहारू की कोशिश ना करो, नौकरी ढूंढने के लिए आप अकेले दिल्ली की कोशिश ना करो, सारी दुनिया में आपके लिए दरवाजे खुले हैं। तो मैं प्रिंसिपल साहब ने, आप और हमारे स्टाफ ने बताया कि यहाँ कमरों की जरूरत है, यहाँ हॉल की जरूरत है, यहाँ लाइब्रेरी की जरूरत है, खेल के स्टाफ की जरूरत है। तो आपको इन सारी चीज़ों को हरियाणा सरकार का एक महकमे का मंत्री होने की वजह से आपको बताता हूँ कि सारी आवश्यकताएं आपकी पूरी कराऊंगा। और आपको अपनी ग्रांट से खेल के सामान के लिए मैं आपको 5 लाख रुपए की ग्रांट भेज दूंगा, जिससे सारा खेल कूद का सामान करवा लेंगे। और आप बच्चों की रिफ्रेशमेंट के लिए अपनी जेब से, अपनी सैलरी से 51,000 रुपये अलग से भिजवा दूंगा, जिससे मैं ये दौलत राम जी ने 11 दिया तो मुझे 51 देने ही पड़ेंगे भाई। तो मिठाई खा लेना और खूब खुशी खुशी जीवन जियो, खुशी खुशी आगे बढ़ो, अभाव को भी शक्ति मानो। आने वाले वक्त के अंदर मैं बता देता हूँ कि आने वाले वक्त के अंदर भारत एक महाशक्ति बनने जा रहा है, सारी दुनिया के अंदर हमारा डंका बजेगा। क्यों? क्योंकि आपकी ताकत की वजह से, लोकतंत्र की ताकत की वजह से आपने नेतृत्व ऐसा चुना है जिस नेतृत्व ने हिंदुस्तान का डंका दुनिया के अंदर बजा दिया है। मैं तो विदेश जाता रहता हूँ, करोड़ से ज्यादा भारतवासी हैं, वो पहली बार फख्र महसूस करते हैं कि हम पहले बोलते नहीं थे कि हम भारतवासी हैं, आज हमें गर्व से कहते हैं हाँ हम मोदी के देश के वासी हैं, हम भारत के वासी हैं, आज इतनी फख्र से बोलते हैं। तो इसी तरह से आपको भी बिल्कुल अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए। सबसे बड़ी खूबी इस देश की जो है कि हमारे अंदर 10 कमियां हो सकती हैं, लेकिन शासन हम लोकतंत्र से चलाते हैं। दुनिया के, आधी दुनिया के अंदर आज भी राजशाही है, कहीं किसी तरह की व्यवस्था है, कहीं किसी तरह की व्यवस्था है, कहीं कम्युनिज्म है। हमारे देश के अंदर खूबी है कि हर बच्चे को, हर लोग को, हर धर्म का अपनाने का अधिकार है, हर तरह की व्यवस्था अपनाने का अधिकार है, प्रॉपर्टी का अधिकार है, बोलने का अधिकार है। तो ऐसे खुली हवा में आप सांस ले रहे हो, आप भाग्यशाली हो। आपके दादा, दादी, परदादा इसी धरती पर रहते थे, रेतीली जमीन में, और चुप चुप के देखते थे कि कहीं नवाब का कोई बंदा हमारी बात तो नहीं सुन रहा है। वो भी एक जीवन था और आज एक जीवन है। आपका दिल करे जब चाहो सड़क पे आप रोक के बैठ जाते हो अपनी बात रखने के लिए। तो ये लोकतंत्र की खूबी है। तो मैं इतनी ही बात कहता हूँ कि आप लोगों के बीच में आके, लोहारू की जनता के बीच में आके मुझे बहुत खुशी मिलती है। और लोहारू मेरा क्षेत्र है, मैं लोहारू को एक नंबर हरियाणा का हल्का बना के छोड़ूंगा। यहाँ चाहे पानी लाने की बात हो, शिक्षा की व्यवस्था करने की बात हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था करने की बात हो, और जो हमारा किला था, अब बजट के अंदर इसका डाम डलवाया है कि लोहारू के किले का उद्धार कराएंगे। किला हमें दिक्कत थी, नवाब से थी, किले से कोई दिक्कत नहीं, किला आज हमारी धरोहर है। तो हमें एक शासन व्यवस्था से दिक्कत थी, एक जो धरोहर है, एक बिल्डिंग बनी हुई है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके हम सब लोगों के सहयोग से एक ऐसी आदर्श शासन व्यवस्था बनाएंगे जिसके अंदर, लोकतंत्र के अंदर, संविधान के अंदर जो उसको अधिकार मिले गए हैं, हर नागरिक को उसका अधिकार बगैर किसी की सिफारिश के मिले, अपने आप उसको मिले, ऐसी व्यवस्था हम खड़ी करेंगे। इतनी बात कह के आप लोगों ने मेरे को इतनी देर झेला, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। शुक्रिया। तो